यस पीपल गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनू गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू कैसे सब लोग होप्स so, आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे मैं बता दू मैं भी बहुत अच्छा हूँ तो चलिए आज हम रिवाइज करने वाले हैं एक टॉपिक दैट इज रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोल इनकम बहुत ही ईजी टॉपिक है बहुत मजा आता है इस टॉप में आपको तो चलिए चालू करते हैं इस टॉपिक को रिवाइज करते हैं सबसे पहली चीज ये है कि सर रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना क्यों जरूरी है एक बात बता दू रेसिडेंशियल स्टेटस एवरी ईयर निकाला जाता है एवरी ईयर देखना पड़ता है कि किसी भी पर्सन का रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है क्योंकि अगर कोई पर्सन रेजिडेंट बन जाता है ना तो उसके लिए पूरे वर्ल्ड की इनकम पे टैक्स लगता है मिस इंडिया की इनकम एज वेल एज फॉरेन से जो इनकम कमाएगा उस पर भी टैक्स लगेगा अगर कोई पर्सन रेजिडेंट बन जाता है लेकिन अगर कोई पर्सन नॉन रेजिडेंट होता है ना तो उसके लिए सिर्फ इंडिया की इनकम है उसी पर टैक्स लगता है तो अपने को पता करना पड़ेगा कोई पर्सन रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है करंट प्रीवियस ईयर में तो चलिए चालू करते हैं सबसे पहले रेजिडेंशियल स्टेटस इंडिविजुअल का सर इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे तो इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस देखने के लिए बेटा दो बेसिक कंडीशन है और ये दो बेसिक कंडीशन जो है ना ये दो बेसिक 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 कंडीशन कंडीशन में से अगर आपने एक भी सेटिस्फाइड कर ली तो आप बन गए resident. दो कंडीशन है वन और two. और ये दो बेसिक कंडीशन में से आपने अगर एक भी बेसिक अब आप बोलोगे दो बेसिक कंडीशन कौन सी है सबसे पहली बेसिक कंडीशन स्टे इन इंडिया फॉर वन एटी टू डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर और स्टे इन इंडिया फॉर सिक्सटी डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर एंड थ्री सिक्सटी फाइव डेज और मोर इन लास्ट फॉर प्रीवियस ईयर तो देखिए दो बेसिक कंडीशन क्या क्या, क्या समझने की कोशिश करना सबसे पहला स्टे इन इंडिया फॉर वन एटी टू डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर और स्टे इन इंडिया फॉर 60 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज और मोर इन लास्ट फोर प्रीवियस ईयर अब एक चीज समझना यहां प्रीवियस ईयर का मतलब करंट प्रीवियस ईयर से है करंट प्रीवियस प्रीवियस ईयर ईयर आपके एग्जाम के लिए इज योर सो पहली बेसिक कंडीशन बोलती है स्टे इन इंडिया फॉर वन एटी टू डेज और मोर इन करंट प्रीवियस ईयर मीन प्रीवियस ईयर ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर में आप वन एटी टू डेज या उससे ज्यादा इंडिया में स्टे किया है तो पहली बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड होगी सेकेंड बेसिक कंडीशन क्या बोलती है स्टे इन इंडिया फॉर 60 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर मीन करंट प्रीवियस ईयर में 60 डेज और मोर एंड 365 डेज और मोर इन द लास्ट फोर प्रीवियस ईयर लास्ट फोर प्रीवियस ईयर मीन करंट प्रीवियस ईयर को छोड़ दीजिए उसके पिछले जो चार प्रीवियस ईयर है उसमें आपका टोटल 365 डेज और मोर का स्टे रहा है अब ये दो बेसिक कंडीशन है इन दोनों के बीच में यहां पे आप देखेंगे और लिखा हुआ है और का मतलब होता है इन दोनों में से अगर एक भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तो आप बन गए रेजिडेंट अदरवाइज आप बन गए नॉन रेजिडेंट अब एक बात समझना अगर कोई असेसी नॉन रेजिडेंट बन जाता है कोई इंडिविजुअल नॉन रेजिडेंट बन जाता है तो बेटा बोलने का तेल लेने गया आगे आपको कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है मीन एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं की दैट पर्सन इज अ नॉन रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट बन गया तो तेल लेने गया क्या बोला तेल लेने गया अपन लोग क्लास में क्या बोलते थे गोज टू बाय ऑयल तो नॉन रेजिडेंट बन गया तो गोज टू बाय ऑयल लेकिन अगर कोई पर्सन है वो रेजिडेंट बन गया में से दोनों में से एटलीस्ट वन बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड कर दी रेजिडेंट बन गया तो आपको चेक करना पड़ेगा कि वो पर्सन रेजिडेंट एंड ऑर्डनरीली रेजिडेंट है या फिर रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डनरी रेजिडेंट है वो इंडिविजुअल रेजिडेंट एंड ऑर्डनरी रेजिडेंट है या रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डनरीली रेजिडेंट है तो उसके लिए दो एडिशनल कंडीशन है टू एडिशनल कंडीशन और पहली एडिशनल कंडीशन है रेजिडेंट फॉर टू प्रीवियस ईयर और मोर इन द लास्ट टेन प्रीवियस ईयर

स्टे इन इंडिया फॉर सेवन थर्टी डेज और मोर इन द लास्ट सेवन प्रीवियस दोनों एडिशनल कंडीशन के बीच में यहां पर एंड लिखा हुआ है मीस बहुत एडिशनल कंडीशन वो सेटिस्फाइड करता है एटलीस्ट अलॉन्ग विध वन बेसिक कंडीशन देन दैट पर्सन विल बी ट्रीटेड एस ए रेजिडेंट एंड ऑर्डनरीली रेजिडेंट अदरवाइज पर्सन विल भी ट्रीटेड एज रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डनरली रेजिडेंट अब एक और चीज समझना एक और चीज समझना जब भी आप नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करते हो ना उसमें ध्यान रखना जिस दिन कोई भी इंडिविजुअल इंडिया में आता है और जिस दिन इंडिया छोड़ के जाता है वो दोनों दिन इंडिया में माने जाएंगे जैसे फ्लाइट लैंड किया वो आज के दिन किया तो आज भी इंडिया में माना जाएगा कल वो पर्सन वापस फ्लाई करके गया इंडिया से तो कल का दिन भी इंडिया में माना जाएगा तो जिस दिन वो इंडिया में आता है वो दिन भी इंडिया में माना जाएगा और जिस दिन वो इंडिया से जाता है वो दिन भी इंडिया में माना जाएगा अब एक चीज समझना तीन ऐसे एक्सेप्शनल केसेस है जहां पर आपकी ये फर्स्ट बेसिक कंडीशन देखने की जरूरत नहीं है देर आर थ्री एक्सेप्शनल केसेस ओ oh, मैंने उल्टा बोला समझना देर आर थ्री एक्सेप्शनल केसेस ऐसे तीन एक्सेप्शनल केसेस है जहां पे ये फर्स्ट बेसिक कंडीशन देखनी है बट सेकेंड बेसिक कंडीशन देखने की जरूरत नहीं है ये जो सेकेंड बेसिक कंडीशन है ये सेकेंड बेसिक कंडीशन है वो देखने की जरूरत नहीं है कितने केसेस में थ्री केसेस में अब आप बोलोगे सर कौन कौन से ऐसे थ्री केसेस है उस पर यह सेकंड बेसिक कंडीशन देखने की जरूरत नहीं है तो देखिए सेकंड बेसिक कंडीशन पर मैंने पट्टी लगा दी तो सेकेंड बेसिक कंडीशन देखना ही नहीं है देर आर थ्री केसेस वहां पर यह सेकेंड बेसिक कंडीशन देखना ही नहीं है ओनली फर्स्ट बेसिक कंडीशन देखिए फर्स्ट बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड हुआ तो रेजिडेंट अदरवाइज सीधा नॉन रेजिडेंट सर ये कौन कौन से केसेस है जहां पे ये सेकंड बेसिक कंडीशन जो है ना 60 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर 365 डेज और मोर इन लास्ट फोर प्रीवियस ईयर वो नहीं देखना कौन कौन से केसेस में सबसे पहला अगर कोई इंडियन सिटीजन है और वो इंडियन सिटीजन इस साल में इंडिया छोड़ के बाहर जा रहा है किसके लिए एम्प्लॉयमेंट के लिए तो कोई इंडियन सिटीजन है इंडियन सिटीजन में भारत का नागरिक है वो इस साल में इंडिया छोड़ के जा रहा है बाहर किस लिए जा रहा है एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडिया के बाहर जा रहा है तो सेकेंड बेसिक कंडीशन देखने की जरूरत नहीं है एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि बाहर या तो कोई जॉब करने जा रहा है या फिर कोई बिजनेस करने जा रहा है कोई प्रोफेशन करने जा रहा है तो वो तुम्हारे एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आता है और एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आता है तो इंडिया के बाहर अगर इंडियन सिटीजन है वो इस साल इंडिया छोड़ के बाहर जा रहा है फॉर एन एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया तो आपको सेकेंड बेसिक कंडीशन नहीं देखना दूसरा अगर कोई इंडियन सिटीजन है वो क्रू मेंबर है किसी इंडियन शिप का और इस साल इंडिया छोड़ के बाहर जा रहा है इंडियन सिटीजन क्रू मेंबर क्रू मेंबर का मतलब जो शिप के ऊपर जो लोग काम करते हैं उसको क्रू मेंबर बोलते हैं तो क्रू मेंबर ऑफ द इंडियन शिप और वो इंडिया छोड़ के इस साल में बाहर जा रहा है तो उसके लिए भी ये सेकंड बेसिक कंडीशन देखने की जरूरत नहीं है तीसरा पॉइंट अगर कोई इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजन है पर्सन ऑफ इंडियन का मतलब होता है ऐसा पर्सन जिसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स में से किसी का जन्म अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ था अनडिवाइडेड इंडिया में बिफोर 1947 इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश तीनों मिलके अनडिवाइडेड इंडिया होता है तो अगर कोई पर्सन इंडिविजुअल ऐसा है जिसके पेरेंट्स में से किसी का या ग्रैंड पेरेंट्स में से किसी का जन्म अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ था तो उसको पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजन बोलेंगे इस हिसाब से मैं बता दूं पाकिस्तान में जितने लोग रहते हैं वो सब पर्सन ऑफ इंडियन रहतेजन है बांग्लादेश में जितने लोग रहते हैं वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजन है आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे इंग्लैंड में लोग रहते हैं कनेडा में लोग रहते हैं अमेरिका में लोग रहते हैं वो इंडियन ओरिजन है इंडियन ओरिजन का मतलब होता है कि उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स में से किसी का जन्म है वो अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ था तो देखिए मैंने बोला कोई इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजन है जो इंडिया के बाहर बिजनेस में एम्प्लॉयमेंट में या प्रोफेशन में एंगेज है मीस इंडिया के बाहर काम करता है वो इस साल में इंडिया आ रहे हैं विजिट करने के लिए और उनकी जो टोटल इनकम है एक्सक्लूडिंग फॉरेन सोर्स का इनकम मीन इंडिया से जो उनकी इनकम है वो अप टू फिफ्टीन लाख है मीस फिफ्टीन लाख या उससे कम है तो उस पर्टिकुलर केस में बेटा ये सेकंड बेसिक कंडीशन देखने की जरूरत नहीं है तो मैं क्या बोल रहा हूं तीन लोग ऐसे हैं देर आर थ्री एक्सेप्शनल केसेज वेयर दिस सेकंड बेसिक कंडीशन आपको देखने की जरूरत नहीं है बेसिक कंडीशन पे आपको काटा मारना है कौन कौन से तीन केसेस सबसे पहले इंडियन सिटीजन लीव इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर एन एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया इंडियन सिटीजन लीव इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एज अ क्रू मेंबर ऑफ द इंडियनशिप इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजन कम्स इन इंडिया फॉर अ विजिट एंड उनका जो इंडिया से इनकम है वो इंडिया से इनकम उनका फिफ्टीन लैख या उससे कम है 15 से ज्यादा नहीं है लेकिन सर एक बात बताइए यहां थर्ड कंडीशन में आप बोल रहे हैं कि उसका इनकम इंडिया में 15 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए अगर 15 लाख से ज्यादा हो गया तो इफ इट इज मोर देन 15 लाख तो क्या होगा एक बात बताऊं मोर देन 15 लाख हुआ ना तो बेटा ये सेकंड कंडीशन आपको देखनी पड़ेगी सेकेंड कंडीशन आपको देखनी पड़ेगी और यहां 60 डेज की जगह आपका रिप्लेस हो जाएगा 120 डेज से 60 डेज की जगह आपका रिप्लेस हो जाएगा 120 डेज से तो सेकंड बेसिक कंडीशन बन जाएगी स्टे इन इंडिया फॉर 120 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज और मोर इन लास्ट फॉर प्रीवियस ईयर एंड गाइज अगर फर्स्ट बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती और यह सेकेंड बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है वन डेज वाली जब कोई इंडियन सिटीजन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजन जो इंडिया में आ रहे हैं विजिट के लिए आ रहे हैं और उनका इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा है और ये सेकेंड बेसिक कंडीशन अगर सेटिस्फाइड हो जाती है तो वो बंदा रेजिडेंट बन जाएगा बट सीधा रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट बनाना है वहां पर फिर आपको एडिशनल कंडीशन वगैरह चेक करने की जरूरत नहीं है मैंने क्या बोला वापस बोल रहा हूं देखिए अगर कोई इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजन जो इंडिया के बाहर कोई जॉब करता है बिजनेस करता है प्रोफेशन करता है वो इस साल इंडिया में विजिट के लिए आ रहा है और उसका टोटल इनकम अगर फिफ्टीन लाख या उससे कम है तो तो उस पर्टिकुलर केस में सेकंड बेसिक कंडीशन देखना ही नहीं है बट अगर वो 15 लाख से ज्यादा है तो आपको सेकंड बेसिक कंडीशन देखना पड़ेगा और 60 डेज की जगह आपका 120 डेज हो जाएगा और अगर सेकंड बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड होता है फर्स्ट बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रहा सेकंड 120 डेज वाला हो गया तो बेटा आपको एडिशनल कंडीशन देखने की जरूरत नहीं उसको सीधा बना दीजिए रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डनरीली रेजिडेंट यू गॉट माई पॉइंट और नॉट यस अब एक और चीज समझना एक चीज समझना यहां पे एक सीबीटीटी का क्लेरिफिकेशन है क्लेरिफिकेशन यह है कि अगर कोई भी इंडियन सिटीजन है और वो इंडियन सिटीजन किसी क्रू मेंबर का क्रू मेंबर है किसी शिप का क्रू मेंबर का मतलब होता है कि जो शिप पे काम करते हैं उसको क्रू मेंबर बोलते हैं और वो शिप इंडिया के बाहर जा रही है अगर वो शिप इंडिया के बाहर जा रही है बाहर जाने का मतलब ओरिजिनेटेड फ्रॉम इंडिया एंड डेस्टिनेशन आउटसाइड इंडिया है मीन इंडिया के बाहर जा रही है जैसे मान लो इंडियन मुंबई पोर्ट से कोई शिप है वो कनाडा जा रही है यूएसए जा रही है दैट इज इंडिया से बाहर जा रही है जिसको अपन फॉरन शिप बोलते हैं तो अगर कोई इंडियन सिटीजन है जो क्रू मेंबर है फॉरेन बाउंड शिप का तो उसके केस में नंबर ऑफ डेज जब आप कैलकुलेट करते हो ना तो उसके केस में एक चीज ध्यान रखना जिस दिन वो शिप को ज्वाइन करता है जिस दिन वो शिप को ज्वाइन करता है उस दिन वो एक डेट एंटर करता है इन द कंटिन्यू डिस्चार्ज सर्टिफिकेट मीन्स यहां पे जो नेवी वगैरह जो होते हैं जो शिप वगैरह होती है वो शिप में क्या होता है कि शिप को ज्वाइन करते टाइम एक सर्टिफिकेट होता है उसमें आपको एक डेट एंटर करनी पड़ती है कि इस दिन आपने शिप को ज्वाइन किया और जब वापस वो शिप इंडिया आ जाती है तो वो शिप को आप साइन ऑफ करते हो साइन ऑफ करने का मतलब है उस शिप को छोड़ के आते हो एक चीज ध्यान रखना जिस दिन आपने डेट एंटर की थी उस वाले सर्टिफिकेट में और जिस दिन आपने साइन ऑफ किया ये दोनों दिन एंड उसके बीच में जितने भी दिन है वो सब ये माना जाएगा कि आपका स्टे आउटसाइड इंडिया है

अब एक बात समझना इन्होंने बोला कि अगर कोई भी इंडियन सिटीजन है अगर कोई इंडियन सिटीजन है एंड हैविंग टोटल इनकम उसकी जो इंडिया में इनकम हो रही है फॉरेन सोर्स की इनकम को छोड़ के जो इंडिया में इनकम होती है वो फिफ्टीन लैख ,00 से ज्यादा है और वो वर्ल्ड में किसी और कंट्री में टैक्स पे करने के लिए लाइबल नहीं है वर्ल्ड में किसी और कंट्री में वो टैक्स पे करने के लिए लाइबल नहीं है ही इज नॉट टू पे टैक्स इन एनी कंट्री आउटसाइड इंडिया ड्यू टू हिज डोमिसाइल और ड्यू टू हिज लाइक रेसिडेंसी मींस वो किसी और कंट्री में डोमिसाइल रेसिडेंस की वजह से टैक्स पे करने के लिए लाइबल नहीं है तो लॉ लॉमेकर बोलते हैं उसको हम इंडिया का रेजिडेंट मान लेंगे बट उसको रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट मानेंगे वापस से बोल रहा हूं देखिए अगर कोई इंडियन सिटीजन है जो नॉर्मली इंडिया का सिक्स वन के हिसाब से रेजिडेंट नहीं बनता है लेकिन वो इंडियन सिटीजन की इंडिया में जो टोटल इनकम है वो टोटल इनकम 15 लाख से ज्यादा है फॉरेन सोर्स के इनकम को छोड़ के और बेटा वर्ल्ड में किसी और कंट्री में वो पर्सन लाइबल टू पे टैक्स नहीं है ड्यू टू तो हिज रेसिडेंसी और डोमिसाइल की वजह से तो उसको इंडिया का रेजिडेंट मान लेंगे बट रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट मानेंगे आपको पता रहेगा क्लास में मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था टेक्निकल गुरु का और जो टेक्निकल गुरुजी है गौरव आई थिंक राइट तो टेक्निकल गुरुजी है वो दुबई में रहता है बंदा दुबई में रहता है बट वो सिटीजनशिप उसके पास अभी भी इंडिया की है अब एक बात समझिए वो ऐसे तो नॉन रेजिडेंट बन गया क्योंकि पूरे साल दुबई में रहा अब वो नॉन रेजिडेंट बन गया बट वो इंडियन सिटीजन है एक बात समझना और उसकी मान लो इंडिया से इनकम हो रही है वो 15 लाख से ज्यादा है इंडिया में उसका कोई बिजनेस वगैरह कुछ भी रहेगा तो इंडिया से जो इनकम होती है वो अगर 15 लाख से ज्यादा है एंड गाइस वो पर्सन कहीं पे भी लाइबल टू पे टैक्स नहीं है ड्यू टू हिज और डोमिसाइल क्योंकि दुबई में टैक्स वगैरह लगता नहीं है तो उस पर्टिकुलर केस में उसको हम इंडिया का डीम्ड रेजिडेंट मान लेंगे बट वो रेजिडेंट बट नॉट रेजिडेंट माना जाएगा यू गॉट माई पॉइंट और नॉट यस अब एक चीज समझना एच का रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे पता चलेगा तो का

अगर करता सिक्स सिक्स की बोथ एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड करता है तो वो एच बन जाएगा आर एनओ आर अदरवाइज वो एच बनेगा आर बट एनओ आर

कंपनी के केस में क्या होता है एक बात बताऊं जो भी इंडियन कंपनी होती है ना जो इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है, 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 है? इंडियन कंपनी है तो ये सब ऑलवेज रेजिडेंट है लेकिन कोई भी फॉरेन कंपनी है ना वो फॉरेन कंपनी रेजिडेंट तभी बनेगी अगर उस फॉरेन कंपनी का पोयम इंडिया में है पोयम का मतलब होता है प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड कंट्रोल प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड कंट्रोल कहां पे है प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड कंट्रोल का मतलब होता है कि उसके डिसीजन कहां से लिए जा रहे हैं जो क्रूशियल डिसीजन है वो कहां से लिए जा रहे हैं तो फॉरेन कंपनी का क्रूशियल डिसीजन अगर इंडिया से लिए जा रहे हैं तो वो फॉरेन कंपनी इंडिया की रेजिडेंट बन जाएगी अदरवाइज वो फॉरन कंपनी इंडिया की नॉन रेजिडेंट बन जाएगी करके ठीक है चलिए अब आप बोलोगे ये पोयम डिसाइड कैसे होता है वो अपन सब फाइनल में पढ़ने वाले हैं उसके बाद में एक सेक्शन आती है फाइव दैट इज स्कोप ऑफ टोटल इनकम एक बात बताऊं इनकम दो तरह की होती है एक होती है इंडियन इनकम और एक होती है फॉरन इनकम अब आप बोलोग कि इंडियन इनकम किसको बोलते हैं तो इंडियन इनकम का मतलब होता है ऐसी इनकम जो या तो इंडिया में अक्रूड हुई है या फिर इंडिया में रिसीव हुई है या तो इंडिया में अक्रूड हुई है या इंडिया में रिसीव हुई है उसको बोलेंगे इंडियन इनकम और फॉरेन इनकम किसको बोलेंगे कि जो अक्रूड भी आउटसाइड इंडिया हुई है और रिसीव्ड भी आउटसाइड इंडिया हुई है उसको अपन बोलेंगे फॉरेन इनकम तो इंडिया में या तो अक्रूड हुई है अक्रू का मतलब जनरेट कहां पे हुई है जैसे मैं सैलरी इनकम की बात करूंगा तो जॉब कहां पे कर रहे हो अगर जॉब इंडिया में कर रहे हो तो अक्रू इंडिया में हो रही है हाउस प्रॉपर्टी रेंटल की बात करूंगा तो हाउस प्रॉपर्टी लोकेटेड अगर इंडिया में है, तो उसका रेंट है वो अक्रू इंडिया में हो रहा है अगर बिजनेस एंड प्रोफेशन इंडिया में है तो इसका जो अक्रू हो रहा है इनकम वो इंडिया से हो रहा है कैपिटल असेट अगर इंडिया में लोकेटेड है तो कैपिटल असेट को बेचने से जो प्रॉफिट होगा कैपिटल असेट अगर इंडिया में है तो उसका इनकम कैपिटल गेन अक्रू इंडिया में हो रहा है अगर आपकी अदर सोर्सेज की इनकम है जैसे मान लो इंडियन कंपनी से डिविडेंड मिला या मान लो इंडियन बैंक है इंडिया में जो बैंक है उससे इंटरेस्ट मिला तो वो अक्रू कहां हो रहा है इंडिया में हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड अक्रू और जनरेटेड या उसका सोर्स कहां पे अगर मान लो सोर्स इंडिया से है तो वो इंडियन इनकम है या फिर मान लो सोर्स इंडिया से नहीं है लेकिन वो रिसीव्ड इंडिया में हुई है मतलब पहली बार वो पैसा मिला कहां है अगर वो पैसा मिला कहां पे है तो वो रिसीव्ड अगर इंडिया में है तो वो इंडियन इनकम है एक बात समझना मैं गया यहां से दुबई इंस्टीट्यूट के लिए लेक्चर लेने के लिए दुबई में मैंने लेक्चर लिया उसके बाद मैं मुंबई आया और मुंबई में मुझे पैसा मिला देखो ये जो इनकम हुई वो अक्रू तो दुबई में हुई थी बिकॉज आई हैव परफॉर्म माई सर्विस इन द दुबई बट मुझे पैसा अगर मुंबई में मिला तो रिसिव्ड इन इंडिया हुई और रिसिव्ड इन इंडिया हुई तो ये इंडियन इनकम हो जाएगी तो इंडियन इनकम किसको बोलते हैं या तो जो अक्रू और अराइज इन इंडिया हुई है या फिर जो रिसीव्ड इन इंडिया हुई है इन दोनों में से एक भी चीज अगर इंडिया में हुई तो वो तुम्हारी इंडियन इनकम हो जाएगी और फॉरेन इनकम किसको बोलेंगे जो इंडिया के बाहर अखरू हुई है और बाहर ही रिसीव हुई है बाहर ही अखरू हुई है एंड बाहर ही रिसीव हुई है उसको अपन फॉरेन इनकम बोलेंगे अब एक चीज समझना कौन से पर्सन के लिए कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है तो एक चीज ध्यान रखना सबसे पहली चीज अगर कोई पर्सन रेजिडेंट एंड ऑर्डनरीली रेजिडेंट होता है रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डनरीली रेजिडेंट होता है या नॉन रेजिडेंट होता है इंडियन इनकम जो होती है ना वो सबके लिए टैक्सेबल है इंडियन इनकम है वो सबके लिए टैक्सेबल है आर एंड के लिए भी टैक्सेबल है आर बट के लिए भी टैक्सेबल है एंड एनआर के लिए भी टैक्सेबल है इंडियन इनकम सबके लिए टैक्सेबल है लेकिन जो फॉरेन इनकम होती है फॉरेन इनकम में अगर फॉरेन इनकम है बट वो बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है या फॉरेन प्रोफेशन वो सेटअप इन इंडिया है देखो फॉरेन इनकम है फॉरेन में बिजनेस है या फॉरेन में प्रोफेशन है अक्रूड भी बाहर से हो रही है रिसिप्ट भी बाहर से हो रही है बट अगर वो बिजनेस कंट्रोल इंडिया से है या वो फॉरेन का कोई प्रोफेशन ऐसा है जो पहले सेटअप इंडिया में हुआ था वो फॉरेन का प्रोफेशन है तो उस पर्टिकुलर केस में ऐसी जो फॉरेन इनकम है ना जो बिजनेस कंट्रोल इंडिया से हो रहा है प्रोफेशन वो सेटअप इन इंडिया बट अभी इंडिया के बाहर है तो वो इनकम आर एंड ओ आर के लिए टैक्सेबल होगी आर बट एनओ आर के लिए टैक्सेबल होगी और एनआर के लिए टैक्सेबल नहीं होगी अब एक और चीज समझना कोई तो दूसरी फॉरेन इनकम है ना तो दूसरी फॉरेन टैक्सेबल होती है आर क्या बोला देखो इंडियन इनकम तीनों के लिए टैक्सेबल हो जाएगी फॉरेन इनकम बट बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया प्रोफेशन वॉज सेटअप इन इंडिया वो आर एंड के लिए टैक्सेबल है एनआर के लिए, लिए नहीं है। एंड गाइज अदर फॉरन इनकम है वो के लिए टैक्सेबल है आर बट के लिए टैक्सेबल नहीं है इसको आप ऐसे समझ सकते हो अब आपको समझ में आएगा एक चीज ध्यान रखो देखो आर एनओर ऐसा है जिसके लिए पूरे वर्ल्ड की इनकम टैक्सेबल है देखो ना आर एनओ आर के लिए पूरे वर्ल्ड की इनकम टैक्सेबल है इंडियन इनकम भी टैक्सेबल और फॉरन इनकम भी टैक्सेबल आरबर्ट एनओआर के लिए इंडियन इनकम टैक्सेबल है और फॉरेन की इनकम वही वाली टैक्सेबल है जो बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है या प्रोफेशन इन इंडिया एंड एंड एनआर के के लिए लिए देखिए देखिए सिर्फ इंडियन इनकम है है वही टैक्सेबल यही तो मैंने स्टार्ट किया था था टॉपिक तब बताया था कि आर पूरे वर्ल्ड की इनकम टैक्सेबल है आरबट एन ओ के लिए सिर्फ इंडियन इनकम टैक्सेबल है और फॉरन की इनकम जो बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है वो टैक्सेबल है और एनआर के लिए जो है वो सिर्फ इंडियन इनकम है वही टैक्सेबल होती है यू गॉट माई पॉइंट और नॉट यस अब एक और चीज समझना यह ये तो हुआ इंडिविजुअल एच की बात अदर के, के केस में क्या होगा तो अदर के, के केस में आप रेजिडेंट बनते हो तो पूरे वर्ल्ड की इनकम टैक्सेबल है नॉन रेजिडेंट हो तो सिर्फ इंडिया की इनकम है वो ही आपके लिए टैक्सेबल होती है अब एक और चीज समझना इनकम का मतलब होता है आपका जो इनकम का मतलब इन कैश भी हो सकता है इन काइंड भी हो सकता है एक और चीज समझना बहुत बार ऐसा होता है कि इंडिया के बाहर आपने इनकम कमा ली और उसके बाद उस पैसे को आप रेमिट करते हो इंडिया में तो इंडिया में रेमिटेंस का मतलब क्या in no. in होगा जैसे लो में कोई रिलेटिव वहीं, वहीं पैसा मिलता है उसके बाद वो अपनी को इंडिया में पैसा भेजता है तो उस पर्टिकुलर केस में यह रिसीव इन इंडिया नहीं है ये रेमिटेंस है और रेमिटेंस है वो टैक्सेबल नहीं होगा एज वेल एज बहुत बार एग्जामिनर आपको पैसा देगा कि पुराना कोई अनैक्स प्रॉफिट है जो पहले का है दस साल

कि एटीसीसीडी वाला है उसमें अगर एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट करता है

नहीं हुई बट तो भी वो to be accrued or arise in India मानी जाएगी कौन-कौन सी सबसे पहला बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया अगर मान लो नॉन रेजिडेंट का इंडिया कनेक्शन की वजह से अगर कोई इनकम होती है तो वो उसके लिए डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाएगी अब आप बोलोगे ये बिजनेस कनेक्शन क्या होता है मैं बता last year तक बिजनेस कनेक्शन को इंटरमीडिएट में डिफाइन किया हुआ था बट अभी उसको हटा दिया है अभी आपके सिलेबस में न्यू सिलेबस में बिजनेस कनेक्शन का जो डेफिनेशन है वो हटा दिया है बट बिजनेस कनेक्शन होता क्या था कि अगर कोई फॉरेनर है वो क्या करता है इंडिया में किसी एजेंट को अपॉइंट करता है और एजेंट क्या करता है उस नॉन रेजिडेंट के बिहाब पे इंडिया में अगर कोई ऑर्डर सिक्योर करता है या उसके बिहार पर कोई कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड करता है या उसका स्टॉक रखता है और उसके कहने अनुसार उस स्टॉक की डिलीवरी करता है इंडिया में तो वो बिजनेस कनेक्शन बन जाता था और नॉन रेजिडेंट का उस बिजनेस कनेक्शन की वजह से कोई इनकम होता था

आ रहा है या उसने घर बेच दिया कैपिटल गेन है तो डीम टू भी अक्रूड इंडिया माना जाएगा इंडिया में उस पर टैक्स लगेगा लेकिन एक चीज समझना चार इनकम ऐसी है जो ये माना जाएगा कि ये बिजनेस कनेक्शन नहीं है इंडिया में चार इनकम ऐसी गुड्स को परचेज करता है गुड्स को परचेज करता, करता है और उसको वापस एक्सपोर्ट कर देता है तो यह माना जाएगा उस नॉन रेजिडेंट का इंडिया में बिजनेस कनेक्शन नहीं है एग्जाम्पल के लिए मान लो फॉरन का कोई बंदा है सैम करके यूएसए का उसने इंडिया में एक एजेंट अपॉइंट किया वो क्या करता है यहां से मान लो चावल है गेहूं है, वो खरीदता है और खरीदने के बाद उसको एक्सपोर्ट कर देता है तो ये माना नहीं जाएगा कि सैम का इंडिया में बिजनेस कनेक्शन है नो बाबा दिस इज़ नॉट ट्रीटेड बिजनेस कनेक्शन दूसरी चीज अगर मान लो कोई भी फॉरेनर है वो इंडिया में मूवी की शूटिंग पे आते हैं और मूवी की शूटिंग के लिए आता है, सिनेमेटोग्राफ फिल्म करता है और वो शूटिंग करके और वो मूवी तो इंडिया में, in करके में नहीं माना जाएगा. अब एक समझना, उसमें कंडीशन है कि अगर वो नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल है तो नॉन रेजिडेंट के साथ साथ नॉन सिटीजन भी होना चाहिए अगर वो नॉन रेजिडेंट पार्टनरशिप फॉर्म है तो उसके जितने भी पार्टनर है वो पार्टनर नॉन रेजिडेंट नॉन इंडियन सिटीजन होने चाहिए अगर वो

न्यूज कलेक्ट करते हैं व्यूज कलेक्ट करते हैं और अल में उसको एग्जिबिट कर लेता है उस न्यूज को चलाता है तो उस पर्टिकुलर केस में बिजनेस कनेक्शन नहीं बनेगा एज वेल एज एक चीज ध्यान रखना अगर कोई फॉरन की कंपनी और वो की कंपनी क्या करती है अगर कोई अनोर्टेड या अनकट डायमंड इंडिया में लेके आती है और इंडिया में उसको क्या करती है सिर्फ डिस्प्ले का एक्टिविटी करती है डायमंड को सिर्फ डिस्प्ले करते हैं डिस्प्ले का एक्टिविटी करती है अनकट या अनुटेड डायमंड को तो वो बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाएगा जैसे मान लो साउथ अफ्रीकन एक फॉरन की कंपनी है वो इंडिया में लाती है रॉ डायमंड और रॉ डायमंड को क्या करती है डिस्प्ले करती है और डिस्प्ले करती है तो उस पर्टिकुलर केस में बेटा यह कोई बिजनेस कनेक्शन नहीं बनेगा अब एक और चीज समझना इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि भैया वो इंडिया में कोई प्रॉपर्टी है उससे कोई इनकम होती है तो वो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया मानी जाएगी या इंडिया में कोई भी असट है वो आप ट्रांसफर करते हो भले उसके डॉक्यूमेंट इंडिया में रजिस्टर्ड हुए हैं या नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो तुम्हारी डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाएगा करके ठीक है अब एक और चीज समझना नेक्स्ट पॉइंट बोलता है कि सैलरी इनकम फॉर द सर्विस रेंडेड इन इंडिया वेदर सच इनकम बिफोर और आफ्टर सर्विस रेंडेड लाइक ग्रेचुअटी पेंशन प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी जैसे फॉर एन एक्साम्पल एक बंदा है उसने सर्विस इंडिया में दी थी जॉब इंडिया में करता था रिटायरमेंट के बाद वो थाईलैंड में शिफ्ट हो गया अब रिटायरमेंट के बाद में वो थाईलैंड में शिफ्ट हो गया अब एक बात समझना वो थाईलैंड में बैठे बैठे पेंशन मिल रही है उसको तो वो पेंशन डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया मानी जाएगी क्योंकि उसने सर्विस इंडिया में रेंडर्ड की थी एक और चीज़ समझना अगर मान लो कोई भी इंडियन सिटीजन है और उसको अपनी गवर्नमेंट के लिए सर्विस दे रहा है और गवर्नमेंट से जो सैलरी मिलती है ना वो हमेशा डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया मानी जाएगी जैसे मान लो इंडिया के बहुत सारे जो इंडियन फॉरन सर्विस के ऑफिसर है वो बाहर इंडिया की इंडियन एम्बेसीज में काम करते हैं

इंडिया के बाहर आपने जाके किसी को गिफ्ट दे दिया इंडिया के बाहर आपने जाके किसी को गिफ्ट दे दिया मतलब गिफ्ट ऑफ एनी मनी मेड बाय रेजिडेंट ने किसी नॉन रेजिडेंट को दिया है या फॉरेन कंपनी को दिया है या किसी आरब एनोआर को दिया है तो वो डीम टू बी अक्रूड और इंडिया माना जाएगा तो मैंने हुआ क्या एक बात समझने की कोशिश करना मैं इंडिया से पैसा लेके दुबई गया अब दुबई में मैंने किसी शेख को गिफ्ट कर दिया दुबई में मैंने किसी शेख को गिफ्ट किया अब वो शेख क्या बोलता है कि ये इनकम तो हमारा

ये क्या बोलता है कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट है यहां पे मैं इसका फोटो बनाता हूं समझने की कोशिश करता कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट है ये नॉन रेजिडेंट है और ये नॉन रेजिडेंट ने लोन दिया अपनी गवर्नमेंट को या तो गवर्नमेंट को गवर्नमेंट का मतलब अपनी गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट कोई भी हो सकती है गवर्नमेंट को और इस गवर्नमेंट से अगर इस नॉन रेजिडेंट को इंटरेस्ट मिलता है ना तो वो इंटरेस्ट डीम टू बी अक्रूड और इन इंडिया माना जाएगा मैंने क्या बोला? कि एक ने अपनी गवर्नमेंट को लोन दिया नॉन रेजिडेंट तो ने मान लो किसी रेजिडेंट पर्सन को लोन दिया किसी रेजिडेंट पर्सन को लोन दिया और वो रेजिडेंट पर्सन ने अगर इस नॉन रेजिडेंट को इंटरेस्ट दिया तो वो डीम टू अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाएगा नॉन रेजिडेंट ने किसी रेजिडेंट को लोन दिया और वो रेजिडेंट ने उसको जो इंटरेस्ट दिया वो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाएगा अब एक और समझना। एक और और चीज चीज समझना समझना इन्होंने बोला यहां पे इसका एक एक्सेप्शन है एक्सेप्शन ये है कि इस रेजिडेंट ने वो पैसा लेके इंडिया के बाहर के किसी बिजनेस में लगाया है या इंडिया के बाहर किसी सोर्स का इनकम कमाने के लिए लगाया है तो फिर इस नॉन रेजिडेंट के लिए वो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया नहीं माना जाएगा एक लेते एक लेते हैं जैसे मान लो यूएसए का बंदा है जिसका नाम है लोबो, एक है जिसका नाम नाम है 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 लोबो लोबो एक और वो यूएसए का है। उसने मान लो अपनी गवर्नमेंट को लोन दिया गवर्नमेंट से इंटरेस्ट मिला डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया अगर लोबो ने किसी रेजिडेंट पर्सन को लोन दिया रेजिडेंट पर्सन का नाम है एग्जाम्पल के लिए लेते हैं बीबी सर मैं रेजिडेंट पर्सन हूं मुझे लोन दिया और मैंने उसको इंटरेस्ट दिया तो वो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाएगा लोगों के लिए और वो टैक्सेबल होगा लेकिन अगर मैंने उस पैसे को बीबी सर ने उस पैसे को इंडिया के बाहर के किसी बिजनेस में यूज किया है या इंडिया के बाहर किसी सोर्स का इनकम कमाने के लिए यूज किया है तो फिर लोगों के लिए वो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया नहीं माना जाएगा जैसे मान लो मैंने क्या किया मैंने सोचा कि मैं जाके और मान लो नेपाल में बिजनेस करूंगा तो मैंने पैसा लोबो से लिया जो नॉन रेजिडेंट है मैं रेजिडेंट हूं मैंने लोबो से पैसा लिया और मैंने उसको नेपाल के बिजनेस में यूज कर दिया तो मैं जो इंटरेस्ट पे कर रहा हूं लोबो को वो लोबो के लिए फिर डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया नहीं माना जाएगा अब एक और चीज समझना अगर ये लोबो ने लोन दिया वो किसी नॉन रेजिडेंट को दिया मतलब एक नॉन रेजिडेंट दूसरे नॉन रेजिडेंट को लोन दे रहा है एंड इस नॉन इस रेजिडेंट ने उस पैसे को इंडिया के किसी बिजनेस या प्रोफेशन में लगा दिया उस नॉन रेजिडेंट ने वो पैसा इंडिया के किसी बिजनेस एंड प्रोफेशन में लगाया तो जो भी इंटरेस्ट मिलेगा उस नॉन रेजिडेंट को इसको वो डीम टू बी अक्रूड और इंडिया माना जाएगा तो जैसे मान लो लोबो है लोबो ने क्या किया एक कोई होबो करके है जो कनाडा का है अब लोगो ने होबो को लोन दिया मीन यूएसए का बंदा कैनेडा के बंदे को लोन दे रहा है बट वो कैनेडा का जो बंदा है होवो उसने वो पैसा इंडिया के किसी बिजनेस या प्रोफेशन में लगा दिया तो जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाएगा लेकिन एक चीज ध्यान रखना यहां पर जो नॉन रेजिडेंट है उसने उस पैसे को कहां लगाया इंडिया के बिजनेस या प्रोफेशन में लगाया तो ही वो इंटरेस्ट इस लोबो के लिए डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाएगा यू गॉट माई पॉइंट और नॉट यस दिस इज रिलेटेड टू द इंटरेस्ट एक और चीज बता दो

ट आता है रॉयल्टी और एफ का रॉयल्टी एफ का मतलब होता है रॉयल्टी का मतलब जैसे मान लो हाउ पेटेंट कॉपीराइट ट्रेडमार्क फ्रेंचाइजी डिजाइन वगैरह आप देते हो तो उससे जो पैसा मिलता है उसके बदले जो पैसा मिलता है दैट इज कॉल्ड रॉयल्टी एज एज वेल फीस फॉर टेक्निकल सर्विस का मतलब होता है कि अगर आप कोई टेक्निकल सर्विस देते हैं मैनेजमेंट सर्विस देते हैं और उससे रिलेटेड कोई पैसा मिलता है दैट इज कॉल्ड और फीस फॉर टेक्निकल सर्विस अब एक चीज समझना यहां पर इन्होंने क्या बोला कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट है एग्जाम्पल के लिए वापस वही ले लेते हैं लोबो लोबो एक नॉन रेजिडेंट है उसने क्या किया अब अपनी गवर्नमेंट को कोई सर्विस दी और गवर्नमेंट ने अगर रॉयल्टी एफटीएस दिया तो वो लोबो के लिए डीम टू बी अक्रूड और अराइज़ इन इंडिया माना जाएगा या फिर मान लो लोबो लो ने किसी रेजिडेंट पर्सन को बीबी सर को कोई ऐसी सर्विस दी और जो कि जिसके लिए रॉयल्टी एफटीएस का पैसा मिला तो वो भी डीम टू बी अक्रूड और अराइज़ इन इंडिया माना जाएगा लेकिन बीबी सर ने उस सर्विस को इंडिया के बाहर के किसी बिजनेस में या इंडिया के बाहर के किसी इनकम अर्न करने में लगाया तो वो डीम टू बी अक्रूड और अराइज़ इन इंडिया नहीं माना जाएगा अब एक चीज समझना लोबो ने वो सर्विस होबो को दी और होबो का है नॉन रेजिडेंट है होबो का, का है कनाडा का अगर होबो को दी तो उस पार्टी केस में वो डीम टू बी और अराइज इन इंडिया तभी माना जाएगा जब ये होबो ने क्या किया वो वाला सर्विस है वो इंडिया के किसी बिजनेस या प्रोफेशन में लगाया या इंडिया में किसी सोर्स का इनकम कमाने के लिए लगाया देखो इंटरेस्ट वाले पार्ट में ये लाइन नहीं जुड़ी हुई थी इंटरेस्ट वाले में क्या था कि ये जो होबो है ना वो क्या करता है उस पैसे को इंडिया के किसी बिजनेस या प्रोफेशन में लगाता है बस इतना था लेकिन यहां पे क्या है कि जो सर्विस ले रहा है होबो ये होबो इंडिया के किसी बिजनेस प्रोफेशन में लगाता है वो सर्विस या इंडिया में किसी सोर्स का इनकम कमाने के लिए लगाता है इंडिया में किसी सोर्स का इनकम कमाने के लिए लगाता है तो वो डीम टू करके ठीक है तो देखो इंटरेस्ट है और फर्क ये दूसरा जो हो वो है वो, इंडिया के किसी या में वो पैसा लगाता है सिर्फ इतना लिखा हुआ था और यहां पर क्या लिखा हुआ है कि इंडिया के किसी बिजनेस या प्रोफेशन में लगाता है या इंडिया में किसी सोर्स का इनकम कमाने के लिए लगाता है तो वो डीम टू अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाएगा कंप्लीशन ऑफ योर टॉपिक रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम तो ये टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए मुझे 35 मिनट्स का टाइम लगा और ये 35 मिनट्स में अपन ने आराम से इस टॉपिक को रिवाइज किया इसको आपको कम से कम रिवाइज कितनी बार करना पड़ेगा बताए कम से कम दस बार रिवाइज करेंगे दस बार इसको सुनेंगे जहां पे भी आप चल फिर रहे हैं घूम रहे खाना खा रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं आप इसको सुनेंगे आपके दिमाग में चीजें फिट बैठते जाएगी और जैसे ही आप इसको रिवीजन लेक्चर को सुन ले उसके बाद फटाफट फटाफट आप क्वेश्चन मिलाइए आप एमसी करिए और जब आप क्वेश्चन मिलाएंगे जब आप एमसी करेंगे तो मैं आपको बता दू आपका कॉन्फिडेंस है वो वहां इस हाई लेवल पे चला जाएगा और मैं बता दू अगर आपको फर्स्ट ग्रुप क्लियर करना है तो टैक्सेशन का पेपर क्लियर करना है क्योंकि बाकी दो पेपर इजिली क्लियर हो जाते हैं मेन जो बच्चे अटकते हैं वो टैक्सेशन में अटकते हैं और टैक्सेशन में इसलिए अटकते हैं

सोचो उस बंदे की अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या रही होगी उसका लिखने का तरीका क्या रहा होगा उसके प्रोविजन कितने अच्छे से दिमाग में बैठे होंगे तब जाके उसने 96 मार्क्स इन द टैक्सेशन पेपर स्कोर किया अगर आप ढंग का स्कोर करना चाहते हैं एग्जामेशन तो लानी ही चाहिए एग्जामेशन लाओ एग्जामेशन लाने के बाद मैं आपको एक ट्रॉफी देता हूँ पता है ना एक सर्टिफिकेट मिलता है जिन लोगों को एग्जामेशन आती है इस बार भी बहुत सारे बच्चों को आई और एग्जामेशन आती है उनको मैं एक सर्टिफिकेट देता हूँ ट्रॉफी देता हूँ वो सर्टिफिकेट हमेशा आपके साथ में रहना चाहिए ये आपके लिए मोटिवेशन है और देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी बिना मेहनत के इस दुनिया में कुछ भी नहीं मिलता करके ठीक है आपको लगता है कि लाइक like, आपके लिए एग्जाम के कितना टाइम बचा है बहुत कम टाइम बचा है और इस टाइम में आप जो है वो 100 परसेंट पढ़ाई को दे दो बाकी सब चीजों को छोड़ दो आप ये समझिए एग्जाम तक आपके लिए वनवास है राम जी जो थे राम जी ने 14 साल का वनवास भोगा था वनवास मतलब जंगल में रहना वहां पे कोई भी सुख सुविधाएं नहीं थी बिल्कुल सुख सुविधाएं नहीं थी और उसके साथ उन्होंने वो तो भगवान थे करके ठीक है वो तो राजा थे कहीं पे बट उन्होंने घर वालों के कहने पे इतना कर लिया था अपने पापा ने बोला कि ये कर लो उन्होंने वैसा कर लिया था क्या आप अपने आप से पूछो आप कितना वनवास भोग रहे हो आपने जो आपके टीचर कह रहे हैं आपके घर वाले कह रहे आपके पेरेंट्स कह रहे हैं क्या उसको आप हंड्रेड मान रहे हो आप क्या वनवास भोग रहे हो एक बार ट्राई तो करके देखो चार पांच महीने सब चीजों को छोड़ के तो देखो एकदम दुनिया से विरक्त होकर तो देखो सिर्फ एंड सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान लगा के तो देखो रिजल्ट जो है वो आपका आएगा आखिर के ठीक है जैसे राम आए हैं वैसे आपका भी रिजल्ट आएगा और ऑब्वियसली आप जो है वो आगे बढ़ोगे और सी बनोगे बिकॉज लाइफ में यही चार पांच साल है जो आपकी जिंदगी बना सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं बिकॉज मैं हमेशा बोलता हूं कि यू आर ओनली मेकर एंड ब्रेकर ऑफ योर लाइफ सो गाइस गिव योर हंड्रेड परसेंट करके ठीक है और अच्छे से पढ़ाई करिए बाकी रिविजन लेक्चर के थ्रू हम लोग मिलते रहेंगे थैंक्स अबाउट